स्वागत है आपका आप ही के चैनल क्रिक टाइम पर। सेकंड ओडीआई तो इंडिया जीत चुके हैं बहुत ही रोमांचक तरीके से। और दीपक चहर की जो मतलब एक इशू रहा था कि उनको 50 ओवर तक बॉलिंग भी कराते हैं, फील्डिंग भी कराते हैं और बैटिंग नहीं मिलती, वो भी उनको खूब मिली है। 25 ओवर उन्होंने भी खेल लिए, भुवनेश्वर कुमार भी खेल लिए। तो अब देखते हैं कि थर्ड मैच किस तरीके से जाता है। और जिस तरीके से फाइट बैक किया है श्रीलंका ने सेकंड मैच में, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि थर्ड मैच में यही कांटे की टक्कर हमें देखने को मिले। और किस तरीके से इंडियन बल्लेबाज अगर फर्स्ट बैटिंग आते हैं तो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, और अगर सेम अगर हुआ कि श्रीलंका की बैटिंग आ जाए तो क्या कुछ इम्प्रूवमेंट श्रीलंका कर सकती है। तो प्रथम क्या लगता है क्या कुछ होगा, कुछ चेंजेस सोचते हैं आप थर्ड मैच में? जी हाँ, देखिए अब 2 मैचेस हो चुके हैं, दोनों इंडिया ने जीत लिए और ये सीरीज इंडिया ने अपने नाम कर ली है। अब हमें ये देखना होगा कि थर्ड थर्ड मैच में इंडियन टीम का किस तरीके से जो अप्रोच रहती है, क्या वो इसे एज अ एक्सपेरिमेंट देखती है या वो इसे एज अ नॉर्मल मैच जिस तरीके से वो खेलते आ रहे हैं उसी तरीके से वो इसे अप्रोच करते हैं और थर्ड मैच भी जीतने चाहते हैं। जो श्रीलंका है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वो अब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेल रही है। वो चाहेंगे कि 3 में से कम से कम एक मैच जीत कर अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई करे और ये जो उनका मोमेंटम रहेगा वो T20 की तरफ वो लेके जाए। तो मुझे तो श्रीलंका की तरफ से कोई चेंज नजर नहीं आता है, पर अभी हम इंडिया में देखना होगा इंडिया की तरफ से क्या संजू सैमसन को टीम मैनेजमेंट चांस देना चाहेंगी या देवदत्त पाडिकर या ऋतुजा गायकवाड़ 2 में से 1 को किसी को चांस मिल सकता है। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात रहेंगी कि टीम इंडिया किस तरीके से अप्रोच करेंगी, पर मैं पर्सनली चाहूंगा कि कोई एक्सपेरिमेंट ना हो। जिस तरीके से अभी तक टीम खेलते आ रही है उसी तरीके से खेले और जो प्लेयर हमें दिखाई दे रहे हैं वो ही दिखाई दे, और मुझे ये लगता है कि टीम मैनेजमेंट इसी अप्रोच के साथ जाएंगी कि जिस तरीके से राहुल द्रविड़ ने सीरीज के पहले बात की थी और जिस तरीके से अभी इंटरव्यूज में मतलब दिखा रहे हैं बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से हमें दिख रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस हमें नजर आएगा। जी हाँ। और श्रीलंका तो वैसे भी चेंज करना डिजर्व नहीं करते, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप है कि आप एक सेटल कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं टीम में, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो चीजें चल रही है मतलब उनके बोर्ड के साथ कुछ उनके सीनियर प्लेयर का जो चल रहा है वो भी, और उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बुरा हो रहा है। तो वो चाहेंगे कि स्टेबिलिटी रहे और कुछ एक मैजिकल विन जिसे कहते हैं वो उनको हासिल हो। तो वो तभी हो सकता है जब आप स्टेबल टीम लेके जाओ। जी हाँ, और देखिए श्रीलंका ने फर्स्ट मैच से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया था। देखिए जो उनकी पहले इंग्लैंड के साथ सीरीज थी उसमें उनका काफी ज्यादा बिलो एवरेज परफॉर्मेंस था। फर्स्ट ओडीआई में उन्होंने उस सीरीज से बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और फर्स्ट से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस उन्हें सेकंड ओडीआई में किया। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो उन्होंने गलतियां की है जिस भी डिपार्टमेंट में उन लैक हुए हैं थर्ड ओडीआई में वो उसे सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे, और क्योंकि वो एक यंग टीम है और एक काफी अच्छे कोच के हाथ में टीम है वो मिकी आर्थर, जिन्होंने पहले भी कई टीमों का जो टीम थी वो बनाई है और उन्हें उन्हें टीम बनाना काफी ज्यादा पसंद है। तो मुझे लगता है कि थर्ड ओडीआई में काफी ज्यादा एक टक्कर वाला मैच होने वाला है, क्योंकि देखिए श्रीलंका तो अपना 100% देंगी देंगी पर रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, तो वो अब मैच के दौरान ही हमें पता चलेगा कि कौन किस तरीके खेलता है। क्योंकि उनके पास कुछ हारने को तो है नहीं, अब सब कुछ उनको पाने को है, क्योंकि वो पूरी तरीके से बॉटम में चले गए और यहाँ से तो एक ही रास्ता बचता है ऊपर जाने का। तो हम समझ सकते हैं कि अगर वो जीत भी जाए तो उनके लिए एक बहुत बड़ा रिवाइवल होगा उनकी क्रिकेट के लिए, कि उनको कुछ एक मोमेंटम मिल जाए। जिस तरीके से क्रिकेट में रहता है मोमेंटम, आप आत्मविश्वास जो कहते हैं, अगर एक आपको जीत मिल जाए तो आगे झलकेगा T20 सीरीज में उनका। जी हाँ, और जिस तरीके से आपने बात की है मिकी आर्थर की, तो वो बहुत बढ़िया कोच है, इसके पहले उन्होंने बहुत टीमों को काया पलट किया है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एक दर्शन शानका के साथ एक अच्छी टीम बनाए और इसको आगे लेकर जाए। जी हाँ, और मुझे याद आता है कि वो पहले का जब राणा तुंगा खुद कैप्टन थे उस टाइम श्रीलंका के साथ जिस तरीके से चीजें चल रही थी
और उसके बाद उन्होंने जो टीम बिल्ड की और जो फिर उनका जो क्रिकेट था वो अलग ही लेवल पे पहुंच गया श्रीलंका का। तो मुझे क्यों तो पर्सनली एक मतलब फीलिंग आ रही है जो सिक्स सेंस कि ये टीम अब यहाँ से प्रोग्रेस ही करने वाली है। जितना भी डाउनफॉल होना था वो हो चुका है और यहाँ से अब उनकी प्रोग्रेस स्टार्ट होती है क्योंकि ये नई टीम है और सबको जीतने का जो भूख है वो है। पिछले मैच में भी प्लेयर्स ने हारने के बाद यही कहा था कि हम यंग टीम है और हम जीत नहीं रहे, तो उन्हें भी अंदर ही खुद को ये लग रहा होगा कि हम क्यों नहीं जीत रहे, वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं पर बार बार वो जीत जीत हासिल नहीं कर पा रहे। तो प्लेयर्स को भी पता है कि हमें क्या करना है और वो इमोशनली भी अटैच है और वो खुद भी जीतना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये टीम का जो राइज है वो होने वाला है और जितना भी डाउनफॉल था वो खत्म हो चुका है। जी हाँ, और जो सेकंड मैच था वो ही उनके लिए बहुत बढ़िया मैच था जीतने के लिए, और ऑलमोस्ट उनके हाथ में मैच था। अगर वो थोड़ा और दबाव डालते कुछ और अच्छा करते तो शायद, मतलब वो एक विकेट की दरकार थी उन्हें वहां पर, वो नहीं ले पाए और वो मैच भी उन्होंने गवा दिया। अब देखते हैं किस तरीके से वो थर्ड ओडीआई खेले। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया खेले, और उनके लिए हमेशा से वो फीलिंग रहती है क्योंकि उनका हमने वर्चस्व देखा है क्रिकेट में। जिस तरीके से श्रीलंका को देखा जाता 2013-14 तक, बहुत ही बढ़िया टीम थी। जी हाँ, हमने जो मतलब जो उनके ग्रेट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स है, कुमार संगकारा की बात कर लीजिए, दिलशन की बात कर लीजिए, जयवर्धन है, मुथैया मुरलीधरन भी 2010 के आसपास तक खेले, मलिंगा जो वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर माने जाते हैं, अजंता मेंडिस जो स्पिनर थे, जो ऐसे कई खिलाड़ी है जिनका हम मतलब नाम लेने बैठे तो पूरी मतलब ये हमारा समय व्यतीत हो जाए। तो हम ये अंदर से भी चाहेंगे कि श्रीलंका का जो क्रिकेट है वो वापस इम्प्रूव हो और जितनी भी उनके साथ क्रिकेट को छोड़ के जितने भी विवाद चल रहे हैं वो सभी विवाद जो है वो खत्म हो जाए। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से अब थर्ड ओडीआई का गेम जाएगा और हमारी इच्छा है कि अब ये थर्ड ओडीआई में तो भी इंडिया को पहली बैटिंग करने का मौका मिले ताकि हम देख पाए कि इंडियन बैट्समैन कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं मतलब फर्स्ट इनिंग में खेलते हुए। तो ये रहा प्रीव्यू शो, अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो हमारे शो को लाइक करें, ऐसी शो हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे हर मैच से पहले और पोस्ट मैच शोज भी लाते रहते हैं और क्रिकेट से जुड़े जितने भी तमाम अलग अलग चीजें रहती है सब चीजें सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतने ही, अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।